अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जे एन न्यूज़ एच डी के साथ मैं हूं नायला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सिंध में कम उम्र बच्चों से ज्यादा की वारदातें रोक न सकें, जिला नवाब शाह की गरीब फैमिली मरीर में पनाह लेने पर मजबूर, अरबाब अख्तियार से मदद की अपील। मजीद मालूम लेते हैं कराची वाले से जे एन न्यूज़ के नुमाइंदे नवाज सरगानी के। जी, थाना 60 मील की हदूद से अगवा और कत्ल होने वाली रीमा की लवाहकीन की आहो पुकार, मासूम बच्ची के कातलों की गिरफ्तारी और इंसाफ का मुतालबा किया गया। लवाहकीन का कहना है कि मासूम बच्ची को अगवा करके कत्ल किया गया है। हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं, हमें शुबा है कि बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। ज़िला नवाब शाह के 60 मील की लाशारी बिरादरी की मुस्मात रानी, शहबाज अली और दीगर नवाब शाह से जान बचाकर ज़िले मलहर में पनाह लेने लगे, जबकि लवाकीन ने मलहर के सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हमारी बेटी रीमा, जिसकी उम्र तकरीबन 10-11 बरस थी, मोरखा 19/4/2023 को घर के सामने खेलते हुए अगवा हुई थी। हमने मुसलसल तलाश से मुलज़म की शनाख्त कर ली, लेकिन गांव के मोजज़ीन के दिलासों के सबब हम मुतमईन थे और तकरीबन 13 दिन के बाद हमारी बेटी की लाश गांव में मिली। हम पांचों मुलज़मान आसिफ, गुलाम हैदर, रजिब वलद इज़्ज़त खान लाशारी, शरीफ वलद मोहम्मद और नबी बश्क उर्फ नब्बू वलद अली दोस्त के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई, लेकिन मुलज़मान के असर रसूख के बाद तीन मुलज़मान गुलाम हैदर, आसिफ और शरीफ ताल गिरफ्तार नहीं हो सके और बाहर घूम रहे हैं और लवाकीन को हमें धमकियाँ भी दे रहे हैं।